तो अभी इसमें से हमने हल लगाना है, आसान हो जाएगा हमारे को। चलो पहले जो हमने भल्ली है निकाल रखी है, इसकी ढेरी हमने एक जगह लगा देनी है। तो मम्मी जो नीचे खेत साफ कर रहे थे वो जा रहे अब घर। अभी जो हमने अपने इस खेत में हल लगा लिया है और अब जो लगा रहा है इसमें मोई बोलते हैं हमारे, मिट्टी सीधी करने को। हाथ से दबा के हल्की हल्की से मिट्टी सीधी हो जाती है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, आज थोड़ा लेट कर रहा हूँ ब्लॉग शुरू। आज लगभग दिन का 1:30 बज रहा है और अभी हमने लंच किया है और इसके बाद अभी आ गए हम अपने खेतों की तरफ। तो खेत में हमारे एक खेत मैंने खाली किया था, बल्ली निकाली, तो हमने उसमें आज हल लगाना है। तो मैं उसमें से बल्ली साइड निकालने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर हमने इसमें बैल ले आने हैं हल लगाने के लिए। चलो पहले इसमें से बल्ली उठा लेनी हमने सारी। तो यहाँ वो खेत ऊपर जिसमें मैंने बल्ली निकाल रखी थी, तो उस टाइम इसमें हल नहीं लगाया था हमने क्योंकि उस टाइम बारिश नहीं हो रखी थी, तो इसमें हल लगाना काफ़ी मुश्किल था। पर अभी बारिश हुई है कुछ दिन पहले, तो अब इसमें से हमने हल लगाना है, आसान हो जाएगा हमारे को। चलो पहले जो हमने भल्ली है निकाल रखी है, इसकी ढेरी हमने एक जगह लगा देनी है और उसके बाद फिर इसमें हल लगाना है। तो चलो पहले भल्ली इकट्ठी कर लेते हैं इसकी। तो ये भल्ली जो हमारे यहाँ पे है, तो हमें इसकी ढेरी एक जगह लगा लेनी है। तो इसको एक जगह रखेंगे तो आने वाली फसलों में आगे फिर यहीं से इसको उठा लेंगे दोबारा से यूज़ करने के। तो खेत के नज़दीकी हमने इसको रखना है। तो हमारे खटेंश बोलते हैं कुछ बल्ली खटेंश की है, बाकी हमारे चिल्लों के पेड़ होते हैं उसकी बल्ली बनाई होती है हमने, तो वो भी यहाँ पड़ी है, तो हमने अलग अलग रख देना है दोनों को। तो अभी जो फ्रेंड्स हमने यहाँ ढेरी लगा ली है पीछे, अपनी जितनी बल्ली थी हमारे खेत में हमने एक जगह इकट्ठी करके रख दी है। यहाँ मैंने इसकी ढेरी लगा के रख दी है। तो चलो चलते अभी घर की तरफ। ये खेत हमने अपना पूरा खाली कर दिया और यहाँ से घर से अब हमने बैल ले आने हैं लगाने के लिए इस खेत में। चलो चलते अब घर की तरफ। तो यहाँ जो नीचे हल रखा है, हल और झुमड़ा बोलते हैं, तो ये हमने खेत में छोड़ देना है यहाँ। तो इसको मैंने खेत में छोड़ दिया और अब हमने जाना है घर बैलों को लाने। तो अभी जो मैं हल छोड़ आया हूँ अपने खेतों में और उसके बाद आ गया हूँ बैलों को लेने के लिए। तो यहाँ मम्मी जी ने बैलों को छोड़ लिया है और हमने इनके मुँह में छिकड़ी भी बांध दी है, ये हल लगाते सही होती है, नहीं तो बैल फिर पूरे परे घास खाते हैं, फिर हल लगाने में दिक्कत आती है। चलो चलते इनको लेके खेतों की तरफ। तो अभी जो हमने यहाँ हल जोड़ लिया है और हमने इसे खेत में हल लगाना शुरू करना है। चलो करते हल लगाना शुरू। तो यहाँ जो हमने अपने खेत में हल लगाना शुरू कर दिया है और यहाँ पापा जी हमारे पानी के लिए पाना काटा था उसको सीधा सीधा कर रहे हैं हल्का हल्का, और अब पापा जी डेयरी फाड़नी शुरू कर दी पापा जी ने मेरे साथ, और मम्मी जी जो नीचे खेतों में साइडों में जो भी हमारा कचरा वगैरह थोड़ा बहुत बचा है वो इकट्ठा कर रहे थे। चलो लगा लेते भी हल पूरे खेत में। तो यहाँ जो पापा जी अभी हल लगाने लग गए और मैं फाड़ रहा हूँ ढेरी है, इसको हम ढेरी बोलते हैं जो हल लगाते आती है। इसके लिए हमने कुदाल रख रखा है, इसके साथ हम इसको फाड़ रहे हैं। मम्मी जो नीचे खेत साफ कर रहे थे वो जा रहे अब घर। अभी जो है हम हल लगाते लगाते इतना हमने हल लगा लिया है, पर इसमें जो साथ साथ हमारे भी ढेरी फाड़नी पड़ रही है क्योंकि टमाटर का जो लगा होता है इसमें काफ़ी ढेरी आती है, क्योंकि बरसात में जैसे टमाटर तोड़ने होते खेतों में तो फिर खेत की जो मिट्टी थोड़ी सख्त हो जाती है उस वजह से इसमें ढेरी ज़्यादा आती है, तो हमने सारी फाड़ लेनी है। तो इसको हल एक बार इसमें हल लगाने के बाद हमने दोबारा से इसमें हल लगाना है, अभी तो केवल मिट्टी हल्की हल्की सीधी होगी, उसके बाद दोबारा से इसमें हमने पूरे खेत में अपने हल लगाना है। तो अभी जो टाइम हो रहा है शाम के 3 बज रहे हैं और अभी हमने अपने लगभग आधे खेत में हल लगा दिया है, आधे से ज़्यादा ही हो गया वैसे। अब जो हमारा रहता है नीचे की तरफ केवल इतना रहता है कि ऊपर की तरफ हमने इतने खेत में हल लगा दिया है। पापा जी हल लगा रहे हैं, मेरा काम केवल ढेरी फाड़ने का है, पर बीच में जो इतनी ज़्यादा आ नहीं रही वैसे थोड़ी है,
साइडें ज़्यादा सख्त होती है, उसमें ज़्यादा आती है। चुहे और मम्मी जो हमारे नीचे यहाँ लहसुन की टिकाई करने लगे हैं, ये कर रहे लहसुन की टिकाई। चलो अभी खेत कंप्लीट कर लेते हैं अपना। मम्मी जी यहाँ चाय लेके आए हैं और हमारा ये खेत भी ख़त्म होने वाला है। अब थोड़ा ही रहता हमारे आगे की तरफ। चलो चाय पी लेनी है, पापा से लो पहले। अभी मैं लगा रहा हूँ यहाँ हल और पापा जी जो यहाँ कांटे चला रहे नीचे खेत के साथ थे। अरे हमारे थोड़ा ही रहता अभी, लगभग आधे से ज़्यादा खेत हमने हल लगा दिया दोबारा से। चलो लगा लेते हैं इसमें हल और। चलो बैठ, चलो 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 चलो। अभी जो हमने अपने इस खेत में हल लगा लिया है और अब जो लगा रहे हैं इसमें मोई बोलते हैं हमारे, मिट्टी सीधी करने को। हाथ से दबा के हल्के हल्के से मिट्टी सीधी हो जाती है। हमने जो अपने इस खेत में दो बार हल लगा दिया है और अब इसकी मिट्टी जो इसके साथ हम हल्के हल्के सीधी कर रहे हैं, तो इसमें जो है फसल लगाने के लिए सही रहता है। जो माड़ी मोटी छोटी मोटी ढेरी होती है वो भी फट जाती है साथ में। चलो कर लेते हैं पूरे खेत में। तो अभी जो हम अपने पूरे खेत में हल लगा के फ्री हो चुके हैं और हमने बैलों को छोड़ दिया है, इनको ले जा रहे हैं हम घर। तो फ्रेंड्स आज अपनी वीडियो का एंड भी यहीं करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।